हेलो हेलो आ गया आवाज आ गया आवाज है महुआ 126 और पातेपुर 130 विधानसभा क्षेत्र नामांकन के पर्चा दाखिल करने के आज सातवें दिन महुआ अनुमंडल कार्यालय परिसर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने महुआ व पातेपुर विधानसभा से नामांकन का पर्चा क्रमशः निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार व खुर्शीद आलम के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल हुआ। महुआ के आरजेडी के टिकट पर डॉक्टर मुकेश रोशन, लोजपा के टिकट पर संजय सिंह, रालोसपा के टिकट पर पूर्व विधायक डॉक्टर रविन्द्र यादव, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिंदू जागरण मंच के विनोद यादव, SUCI के डॉक्टर ललित कुमार घोष, अनमोल गिरी, शिवनाथ सहनी, SDPO से रियाज अहमद ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। वहीं पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से युवा प्रत्याशी शशि कुमार उर्फ शशि भारती, भाजपा के सिंबल लखेंद्र यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे के तो अनुमंडल कार्यालय द्वारा पैर तैनात दंडाधिकारी ने प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक एवं समर्थक के अलावे किसी भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके फलस्वरूप वह गेट के बाहर ही अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने मजिस्ट्रेट कुमार सिन्हा और EO रविशंकर प्रसाद को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैन्य पुलिस के बल के जवानों ने जमकर लाठियां छटकाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ने जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं साप्ताहिक हाट और नामांकन को लेकर महुआ बाजार में भयंकर जाम की स्थिति बनी रही। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।